अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। में हम मोहम्मद हसन राज के न्यू व्लॉग शुरू करते हैं हम अभी। और आज हम आ गए हैं मोनूमेंट, पाकिस्तान मोनूमेंट पे आ गए हैं, ठीक है। और वहाँ से रास्ता जाता है, असद भाई आपको दिखाएंगे, और पीछे से रास्ता जाता है। तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं और अभी हम जाते हैं जी मोनूमेंट के पास, चलते हैं अभी। और मैंने कहा वीडियो स्टार्ट यहाँ से कर लें, फिर उसके बाद जाते हैं। और सामने देखिए हॉर्स की राइड ले रहे हैं बच्चे वगैरह, और पीछे वो सामने आप देख रहे हैं वहाँ पे हॉर्स वगैरह हैं। तो चले चलते हैं, टाइम के शाम क्या है, फिर एक और जगह भी जाना है वो बंद ना हो जाए, तो इसलिए हम पहले यहाँ पर चलते हैं। इंटर तो हो गए हैं और सामने वो गेट है, इधर से आ गए हैं, वो सामने गेट है वो आपको नज़र आ रहा होगा। और अभी हम जाते हैं, वो सामने मोनूमेंट है और सामने ये मार्केट है, वो भी दिखाएँ आप बस अभी, ऊपर दुकान वगैरह। और अभी हम चलते हैं जी आगे, आगे हमने जाना है मोनूमेंट के टॉप पे। और असल पीछे देख, सामने वो पीछे आप मोनूमेंट देख रहे हैं, और इस साइड पे हम खड़े हैं, वो पीछे गेट मैंने आपको दिखा दिया है। और ये सारा कैमरा घुमा के दिखाओ असल भाई, आप ये देख लें। और फिर अभी हम ऊपर भी जाते हैं, ठीक है। अभी बस ये देख लें, सामने कैफेटेरिया वगैरह भी बने हुए हैं। और अभी इस साइड पे हम आए हुए हैं और वो सामने मोनूमेंट है, अभी ऊपर जाते हैं हम, अभी वैसे ही इधर खड़े हुए हैं और उसके बाद ऊपर चलते हैं। जिस गेट से हम आए थे वो गेट बंद था, और वो सामने है, वो आप देख लें, वो वाला गेट बंद है। और अभी हम दूसरे वाली गेट से इंटर हुए हैं, और ये पीछे देखें पाकिस्तान का फ्लैग भी आपको नज़र आ रहा होगा। और अभी हम चलते हैं ऊपर, ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसलिए चलते हैं ऊपर, चले लेट्स गो। हैं जी वो पीछे बैक साइड पर हमारे मोनूमेंट है, वो असल पर दिखा दो। ये तो आपने देख लिया होगा, और अभी मैं और बताऊँ, सामने पूरा इस्लामाबाद नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं, ये देखें पूरा इस्लामाबाद नज़र आ रहा है जी। वो वीडियो बना ली, और यहाँ पे म्यूज़ियम, म्यूज़ियम के अंदर मुझे लगता है टिकट है। और अभी चलते हैं हम सामने, पहले नीचे से और लें, फिर उसके बाद ऊपर जाएँगे, फिर ऊपर जा, वो सामने जो नहीं वो नज़र आ रही है आपको बिल्डिंग, ये मेरा कॉलेज के पास है बिल्डिंग, ठीक है। और अभी हम नीचे जाते हैं, इधर शोर वगैरह भी बहुत है, और अभी मैं वो सामने जाके आपको वीडियो बता दूँगी, क्योंकि गाड़ियों को बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है इधर, मुझे आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने माइक लगाया हुआ है, अगर मैं माइक नहीं लगाता तो आपको तब आवाज़ आ जाती। और अभी अब मैंने माइक नहीं लगाया हुआ, ठीक है, अब आपको आवाज़ आ जाएगी। और अभी देखते हैं आपको आवाज़ आती है शोर की या नहीं। और ये असद भाई क्या बना रहे हैं जी, दिखाएँ। ये अभी वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, कौन सी वीडियो? ये इस्लामाबाद स्नैपचैट। और ये पीछे देखें जी मोनूमेंट आपको नज़र आ रहा है, और अभी म्यूज़ियम भी है यहाँ पे देख लें, और नीचे भी चलते हैं, फिर उसके बाद आते हैं मोनूमेंट पे, फिर आगे निकलते हैं। और अभी हम नीचे आ गए हैं, ठीक है, और इस साइड से जाते हैं, असद भाई कह रहे हैं इस साइड से जाओ, तो मैंने कहा चलें इस साइड से चले जाते हैं। और अभी हम नीचे जा रहे हैं जी, ठीक है, और इस साइड पर ये रास्ता वगैरह बना हुआ है, और अभी हम चलते हैं जी आगे आगे, और आपको जो सामने ग्रीनरी वगैरह है, पौधे वगैरह हैं, वो आपको दिखाते हैं। और अभी हम दूसरी साइड पे आ गए, जहाँ से मैंने कहा आपको रोड वगैरह दिखा दे, रोड वगैरह तो मुश्किल नज़र आ रहे, एक जगह से नज़र आ रहे थे, तो वहाँ पे लेडीज़ थी जिसकी वजह से आपको नहीं दिखाया। और अभी चलते हैं हम आगे, क्योंकि वो सामने से दिखा देते हैं, वहाँ से बिल्डिंग वगैरह भी नज़र आ जाएंगे, रोड भी नज़र आ जाएंगे। और अभी हम इस जगह पे आ गए हैं, अभी मोनूमेंट के टॉप पे नहीं गए, और अभी हम इस जगह पे आ गए हैं, इधर सामने से आपको रोड नज़र आ रहे हैं, वो दिखा दें पहले, एक मिनट सबर, सामने चलते हैं। और सामने से घर वगैरह नज़र आ रहे हैं, और मैं एक मिनट रोड दिखाता हूँ, एक मिनट सबर करें, एक मिनट, वो देखें जी वो हाईवे सब रोड, पूरा इस्लामाबाद आपको यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। और सामने संतोरस भी दिखाता हूँ, ये देखें ना जी, ये हाईवे है, श्रीनगर हाईवे, और वो नीचे उस साइड पे यूफोन टावर और G7 अभी है, और असद भाई भी अभी पिक्चर वगैरह ले रहे हैं, मैंने कहा चलिए आप भी ले लें, देखें कितना खूबसूरत नज़ारा, और फूल वगैरह देखें कितने ज़्यादा लगे हुए हैं फूल वगैरह, और ये पीछे ये फुल लुक है, और ऊपर वो मोनूमेंट का टॉप है। और उधर हम अभी नहीं गए, अभी जाते हैं, मैंने कहा पहले इधर पिक्चर वगैरह ले लें और कोई वीडियो वगैरह बना लें, फिर उसके बाद चलते हैं। अभी हम थोड़ा सा और आगे आ गए हैं, ठीक है, इस साइड से आपको ये रोड तो नज़र आ जाए क्लियर, वो भी आ जाएगा पर दरमियान वाला नहीं आएगा, और वो देखें एक मिनट,
सारा इस्लामाबाद यहाँ से नज़र आ रहा है। और अभी असद भाई बना रहे हैं वीडियो, और अभी असद भाई ने जो पिक्चर बनाई है वो मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाता हूँ, मैं भी बनाऊँगा। और ये आप फिर से देख लें, और ये देखें जी, ये असद भाई अपने मोबाइल में पिक्चर वगैरह बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बल्कि ये स्नैपचैट पर बनाते हैं। मैं स्नैपचैट इतना यूज़ नहीं करता, मुझे भी सेंड करते। पर अभी इस साइड आ गए हैं, पर इस साइड से इतना नज़र नहीं आ रहा, और अभी मुझे लगता है हवा तेज़ हो रही है तो माइक लगाना पड़ेगा, फिर आवाज़ नहीं आएगी। असद भाई अभी हम सीढ़ियाँ चढ़े हैं और ऊपर है मोनूमेंट, और अभी ऊपर हम जाते हैं, अभी सीढ़ियाँ चढ़े हैं और फिर उसके बाद टॉप व्यू दिखाते हैं इधर से ऊपर से। पहले मैंने इधर से नहीं दिखाया था, चलें अभी दिखा देता हूँ आपको। अभी हम ऊपर आ गए, वो देखें आपको सामने हाईवे नज़र आ रहा है, वो देखें रोड, पूरा इस्लामाबाद का सीन आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा, देख लें आप। और अभी हम ये सामने मोनूमेंट के पास पहुंच गए हैं, और अभी आगे जाते हैं। और अभी हम आपको एक चीज़ दिखाएं, यहाँ पे हमें एक जोकर नज़र आया, जोकर को हम आपको दिखाते हैं। और असल भाई कहते हैं वो पैसे लेते हैं, पर पैसे नहीं लेगा। ये देखें जी, ये है जोकर, आप ये देख लें। इसके साथ हम सलाम करें, पर सलाम नहीं करें, बुलाई तस्वीर पर सलाम कर रहे हैं, वीडियो में नाम है सलाम कर रहा है। अच्छा, ये सलाम करते हैं असद भाई। देखें आप, जैसे कि आप बादल आ गए, जैसे ही हम निकले हैं, जब हम घर में थे तब धूप थी, और अभी जैसे हम निकल आए हैं तो मौसम बहुत अच्छा हो गया। और अभी रश ज़्यादा है तो इसलिए मैंने कहीं यहाँ करीब थोड़ा सा आगे चल गए, थोड़ा सा आगे चलो। कैफ्ती रहास से भी ये बने हुए हैं, फोटोग्राम है, ऊँट आपको नज़र आ रहा होगा अगर, ठीक है। और आप ये देखें, ये गोल चक्कर, इसमें पानी वगैरह तो अभी नहीं बना हुआ, और अभी हम इधर आए हुए हैं, ठीक है। साहब की पिक्चर वगैरह ये आप देख लें, ये अलामा इकबाल की, ये कैद आज़म की, ये सब की तस्वीरें पिक्चर यहाँ पे बनी हुई हैं। और अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, असद भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं, और असद भाई कहता हूँ इस साइड पे आए हैं, असद भाई कैमरा मैन ही मेरे साथ, असद भाई कह रहे थे ठीक है। और अभी फुल लोग ये देख लें जी, अभी हम ये अंदर खड़े हुए हैं, और अभी चलते हैं जी, अभी बहुत लेट हो रही है, अभी इधर रश, अभी देखें पहले जब हम आए थे ना उस टाइम इतनी रश नहीं थी, तो अभी बहुत ज़्यादा रश हो गया है। और हम फिर निकलते हैं, क्योंकि हमने एक और जगह जाना है, अगर एक और जगह ना गए तो फिर ये हो जाएगा कि टाइम निकल जाएगा और वो जगह बंद हो जाएगी, ठीक है। अभी फिर हम उस टाइम आ गए पाकिस्तान मोनूमेंट के म्यूज़ियम में, आपको पीछे गर्मी भी बहुत है, और चलते हैं अभी नीचे, और हमने आपको उस वक्त के लिहाज से बहुत ज़्यादा, अब माई कहाँ है। हम यहाँ पे इंटर हो गए, यहाँ पे कह दिया मोहम्मद अली जिन्ना के यूनिफॉर्म जो उस टाइम वो पहनते थे, ठीक है। और यहाँ पे इनकी पिक्चर है, और ये नीचे लिखा हुआ है कैद आज़म, यहाँ पढ़ लें, साइन बोर्ड लगा हुआ है। और ये दूसरी पिक्चर है उनकी, और अभी यहाँ पे उनकी बैठने की जगह थी, ये आप देख लें, उनकी सिटिंग की जगह ये थी, ये उस टाइम की अलमारी वगैरह। और उसके बाद यहाँ पे वो बैठा करते थे, किताबें पढ़ते थे, यहाँ पे बुक वगैरह यहाँ पे पड़ी हैं, और सामने फिर वही पिक्चर उनकी लगी हुई है, ठीक है। और अभी एक चीज़ और चीज़ मैं बताता हूँ, इधर ये देख लें आप, द लाहौर रेजोल्यूशन 1940, और यहाँ पे ये कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे स्पीच कर रहे थे। और ये आप देख लें पीछे, ये सकाफ़ती लिहाज से ये झंडे वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पे इनकी मीटिंग हो रही थी, ये देखें जी, यहाँ पे इनके नाम भी लिखे हुए हैं, ये भी आप पढ़ लें, सही है। और फिर ये देख लें सारा कुछ, 8 जून प्लान जो भी था, यहाँ पे आप देख लें आज़ादी, इंडिपेंडेंस डे पे ये सारे जो फ्लैग लगे हुए हैं, इंडिपेंडेंस जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तब के ये फ्लैग हैं, और तब ये पीछे मीटिंग बैठी हुई थी। और देखिए जी, ये सारा प्लान है, ये नक्शा बना हुआ है, ये आपको पता है ये कराची में जो मस्जिद है, ये अभी
मुझे इतना नाम वगैरह याद नहीं है। ये फातिमा जीना, ये सब की पिक्चर वगैरह बनी हुई है। ये कायद हैं, कायद हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं आप, ये देखें। और यहाँ पे पीछे वो देखें ना, काफ़ी लिहाज से वो पीछे बनी हुई है पुराने दौर की। और ये देखें आप, ये इधर बैठे हुए हैं अज़म मोहम्मद अली के नाम। और अभी हम आगे जाते हैं, ये देखें वीडियो, पुरानी वीडियो वगैरह भी इधर चलाई हुई है फुल एंड टाइम। और ये देखें, ये कोर्ट में जब बैठे हुए थे यहाँ पे, हम एक पिक्चर ले लेते फिर सुबह जाते हैं। कि उस टाइम की जो गाड़ी है ये आपको मैं दिखा दूँ, आवाज़ आपको आ रही होगी, उस टाइम की गाड़ी वगैरह है। और वहाँ पे जो हॉर्स हैं, ये बगी वगैरह जो भी है, उसके पीछे कैद आज़म मोहम्मद अली जिना और फातिमा जिना बैठी हुई थी। और वो मैंने दिखाई नहीं, अभी चलो उस साइड से जाकर वो भी दिखा देते हैं। और ये आप देख लें कार, ये पुराने ज़माने की कार है जिसमें वो सफ़र किया करते थे। और ये देखें सकाफ़ती लिहाज से ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर इनके साथ पिक्चर लगी हुई है, अलामा इकबाल की पिक्चर लगी हुई। अभी हम ऊपर से आपको दिखा देते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। ये देखें यहाँ पे बैठे हुए हैं जी कैद आज़म मोहम्मद अली जिना और फातिमा जिना, और ये बग्गी जिसके ऊपर वो बैठ के जा रहे थे। ये देखें खुद हम नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए हैं, ये देख रहे हैं आप, सब तस्वीरें वगैरह लगी हुई। और अभी पसीना भी आ गया, अभी जो असल गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं अभी आपको बहुत दिखाते हैं, जो पुराने मैं अभी आपको गाड़ियाँ दिखाता हूँ, 1 2 3 गो। और ये देखें जी, ये पुराने ज़माने की जो गाड़ियाँ जो कैद आज़म मोहम्मद अली जिना की थी। और ये वो गाड़ी भी है, इस पर पाकिस्तान का फ्लैग भी लगा भाई, आप देख लें। और ये सब नक्शे वगैरह भी हैं, ये देख लें आप गाड़ियाँ, तो पिक्चर बनाते फिर हम जाते हैं। महमूद गज़ाबी, और उसके बाद है शेर शाह सूरी, और फिर उसके बाद हाकिम के नाम है जी ज़हीरुद्दीन। और उन पीछे वाले का नाम था ज़हीरुद्दीन बाबर। और उसके बाद हम चलते हैं आगे, और इधर ये देखें जी बुट वगैरह पीछे बने हुए, वो वहाँ पे बुट वगैरह बने हुए, उसके बाद हम चलते हैं। और यहाँ पे देखें कुरान मजीद भी वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे पगड़ी वगैरह भी पहनी हुई है, चलते हैं वहाँ पे। यहाँ पे आ गए पुराने ज़माने के, देखे आ सकते हैं जी। पे वो कुर्सी पे बैठे, चेयर पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे ये गुफ्तगू कर रहे हैं माइक पे, ठीक है। और अभी हम और आगे चलते हैं, सही है। ऐसे भाई ये मज़मून भी है, इनको बताओ मज़मून भी बताओ जी। नमाज पढ़ रहे थे और बैठे हुए थे, अभी हम इधर आए हैं। नमाज रात है, और ये आपको ये दिखाएंगे ऐसे भाई, ये कपड़े वगैरह सामने देखते तो वो सब ये हैं, ये देख लें आप। पिछले पुराने दौर की वीडियो वगैरह हैं, वहाँ यहाँ पे चला रहे हैं, यहाँ पे शूटिंग कर
नाम इस तरह किया हुआ है। और सामने आपको देखते हैं नाम इकबाल कैदी आजम और दिलचस्पी आगे। आगे से पीछे भी हो आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं सबसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।